वो समय क्या था शरद जी, जब अगले दिन आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है और एक दिन पहले आपके पिता आपको बुलाकर कहते हैं कि आपको वनवास जाना है, और उसके बाद भी उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं और वो हंसते हंसते चले गए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या लोगों को कैसे इस राम की इस क्वालिटी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल बदल गया। आप देख रहे हैं कि लोग घर नहीं संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, श्री राम को केवल मंदिर से नहीं देखना है, श्री राम को उनके पूरे जीवन की व्याप्ति से देखना चाहिए। और उन्होंने एक जो बात अभी वनवास प्रसंग की हमारे सामने आई, हालांकि उनके सारे जीवन में ही ऐसे प्रसंग हैं, जब ध्यान देंगे आप तो दशरथ ने एक बार भी श्री राम से नहीं कहा कि तुम बन जाओ, पूरे वाल्मीकि रामायण में एक वाक्य भी नहीं। बस उन्होंने ये जान लिया है श्री राम ने कि पिताजी ने माँ को हाँ कर दी है और माँ ने कह दिया है कि बन जाना है, और श्री राम बन जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये प्रसंग आया है कि जिस समय रथ पर चढ़ लिए हैं और सुमंत्र के साथ चलने को हैं, भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई है, कोलाहल हो रहा है, दशरथ निकल करके दरवाजे तक आ गए हैं और चीख करके पुकार करके राम जी को कहते हैं कि रुक जाओ, और राम जी सुमंत्र जी को कहते हैं कि रथ जल्दी से आगे बढ़ाइए और निकल जाइए, और फिर कहते हैं कि आपको इस बात का संकोच होगा कि राजा पुकार रहे हैं तो मैं कैसे चला जाऊं बिना सुने, तो लौटिएगा तो कहिएगा कि कोलाहल बहुत था, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पाए थे इसलिए चले गए। ये क्यों करते हैं श्री राम? क्योंकि पुत्र का अर्थ ही वही है जो पिता के बोले बिना भी उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके संकल्पों को पहचाने और उसके लिए जीने को प्रस्तुत हो जाए। श्री राम जानते हैं कि मेरे पिता संकल्पतः मुझे वन दे चुके हैं, प्रेम की अधिकता में मौखिक रूप से नहीं कह सकते हैं, तो मुँह से बिना कहे ही जो पिता के मर्म को समझे और उसको जीने के लिए प्रस्तुत हो जाए वो श्री राम है। यही उनकी योग्यता है। वो पुत्र नहीं है जो पिता के कहने की प्रतीक्षा करे, पुत्र तो वो है कि पिता के चिंतन को ही अनुभव कर ले और उसके लिए अपने को प्रस्तुत कर दे और पलट करके पीछे नहीं देखे। ये श्री राम ने किया है, और ये सब करते हुए वो कैकेयी के प्रति भी उतने ही उदार हैं, वो भरत के प्रति भी उतने ही उदार हैं। श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने तो जो लिखा है वो लिखा ही है, महर्षि वेदव्यास ने जो लिखा है वो कहते हैं कि श्री राम साधुवाद की कसौटी हैं, अच्छाई की कोई कसौटी अगर है, वो कृष्ण का चरित्र कह रहे हैं, भागवत महापुराण कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि नमस् साधुवाद निकषणाय, सच्चाई का अच्छाई का कोई प्रमाण है तो वो श्री राम है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।